हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। इस साल मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को गुड़ी पड़वा मनाई जाएगी। माना जाता है कि जिस दिन वर्ष प्रतिपदा प्रारंभ होती है उस दिन जो वार आता है उसे राजा माना जाता है, जबकि जिस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं उसे प्रधानमंत्री या महामंत्री कहते हैं। खरगोन के ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता ने लोकल 18 को बताया है कि वर्षफल के कथन और ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार इस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार को है, इसीलिए मंगल इस साल के राजा होंगे। सूर्य देव का मेष राशि में प्रवेश शनिवार को होगा, इसलिए शनिदेव प्रधानमंत्री या महामंत्री कहलाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में दोनों ही ग्रह उग्र माने गए हैं, ऐसे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दृष्टि से देश के हालात काफी हद तक बदलेंगे। इस बार मंगलवार को गुड़ी पड़वा है और मेष राशि में शनिवार को जाता, तो इस हिसाब से मंगल राजा हो गए और शनि जो है वो मंत्री हो गए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में दोनों उग्र संज्ञक ग्रह माने गए हैं, तो पर ये जो वर्ष है जिसमें अभी मेष राशि में गुरु हैं, गुरु मेष राशि में अभी वर्तमान में है, वृषभ में आगे जाएंगे तो गुड़ी पड़वा के समय वो मेष में रहेंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है इस स्थिति के हिसाब से ये होगा कि इस वर्ष में काफ़ी आंदोलन होंगे। दूसरा ये होगा कि जो सत्ता है, जो वर्तमान जो सत्ता है ये फिर से सत्ता पे को प्राप्त करेगी और विपक्ष को हताशा मिलेगी। तीसरा इसमें ये है कि कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो बड़े क्रांतिकारी होंगे जिनका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा, ऐसे साहसिक और निर्णय होंगे जिसका विरोध भी बहुत होगा, परंतु वह निर्णय लिए जाएंगे क्योंकि मंगल जो होता है वो नेतृत्वकारी होता है, साहसिक निर्णय लेने के लिए माना जाता है मंगल, तो कुछ साहसिक निर्णय होंगे। सीमाओं के विस्तार की भी इसमें हम मान सकते हैं कि इस बार भारत अपनी सीमाओं में विस्तार करेगा, यानी सीमाओं पर भी कुछ ऐसे होंगे जिसमें शत्रु जो राष्ट्र हैं या पड़ोसी राष्ट्र हैं उनको भय प्राप्त हो, उनकी जो योजनाएं हैं वो विफल होगी, तो इस मान से मंगल ने, परंतु ग्रह युद्ध जो इसको अपन तो एक भाषा में कह सकते हैं, या जो नगर हमारे देश में राष्ट्र के अंदर भी उपद्रव होने की जरूर इसमें वो है, इति भय अग्नि भय भी इसमें अंदर रहता है कि अग्नि भय भी उसमें होता है, तो ये जरूर है। लेकिन भारत और उन प्रगति के शिखर पे जाएगा इस वर्ष, ये भी है कि उसका सम्मान और बढ़ेगा, लेकिन जो अंदरूनी है कला उसमें वर्धन होगा। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।